आज हम इंटरवल्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ईसीजी में जो इंटरवल्स होते हैं वो, तो सबसे पहला मैं इंटरवल बताता हूँ कि कैसा कैसा होता है। तो ये एक ईसीजी है नॉर्मल, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और ये टी वेव है। तो यहाँ पे जो इंटरवल्स होते हैं, तो यहाँ से ये पी वेव स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्यू वेव है, यहाँ पे आर एस और टी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंटरवल हमें देखने को मिलता है वो है पी आर इंटरवल। कौन सा देखने को मिलता है? तो यहाँ से पी से लेके क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी आर इंटरवल। फिर दूसरा इंटरवल क्या है? तो यहाँ से क्यू से लेके पी के एंड तक होता है, उसे हम कहते हैं क्यू टी इंटरवल। फिर एक होता है एस के बाद जो एक यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं जे पॉइंट, और जे पॉइंट से लेके यहाँ से लेके टी पॉइंट के स्टार्टिंग तक, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एस टी सेगमेंट। लेकिन जे पॉइंट से लेके टी पॉइंट के ख़त्म होने तक इस जगह को हम बोलते हैं एस टी इंटरवल। तो ये सब चीज़ कैसा है, ये सब हमें देखना है ईसीजी में। तो एक एक करके देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला हम देखेंगे पी आर इंटरवल के बारे में। तो जैसे कि ये हमारा पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव है, तो ये पी आर इंटरवल यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो पी आर इंटरवल क्या इंडिकेट करता है? तो पी वेव यानी कि क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बोल सकते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो जो पी आर इंटरवल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पल्सिस, मतलब कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम एस ए नोड से लेके जो जाता है ए वी नोड तक। हाँ, ए वी नोड का जो कंडक्शन होता है वो रिप्रेजेंट करता है पी आर इंटरवल। जो पी आर इंटरवल होता है वो कितना होता है? तो 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर होता है। पी आर इंटरवल बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, कम होता है, कम भी होता है। तो पी आर इंटरवल का प्रोलोंगेशन भी होता है। प्रोलोंगेशन ज़्यादातर हमें किस में, सबसे पहला चीज़ हमें देखने मिलता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी आर प्रोलोंगेशन देखने को हमें मिलता है। इसके बाद वेरियस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में भी हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस में। जैसे कि अगर पोटेशियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है हाइपर कैलेमिया में, हमें देखने को मिलता है। पी आर प्रोलोंगेशन एक तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, एक तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे पी आर डिक्रीज कब होता है। तो पी आर डिक्रीज कब होता है? तो एक सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम में क्या होता है? तो पी आर जो इंटरवल है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से पी आर के बारे में हम पी आर इंटरवल के बारे में हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्यू टी इंटरवल के बारे में। तो ये रहा पी वेव, ये रहा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये रहा टी वेव। तो क्यू टी इंटरवल किसके कहेंगे? तो स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव से लेके एंड ऑफ द टी वेव, इसको हम कहेंगे क्यू टी इंटरवल। हाँ ओके। तो क्यू टी इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जैसे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो जो भी वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट, वो कैसे हमें रिप्रेजेंट होता है? तो वो क्यू टी इंटरवल से रिप्रेजेंट होता है। क्यू टी इंटरवल जो होता है वो अराउंड 9 से लेके 11 स्मॉल स्क्वायर तक होता है। कितना?
स्मॉल स्क्वायर होता है 9 to 11। और हमने देखा कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को। तो क्या क्यूटी इंटरवल बढ़ता या कम होता है? तो हाँ, क्यूटी इंटरवल्स भी प्रोलोंगेशन होता है क्यूटी इंटरवल का, और क्यूटी इंटरवल कम भी होता है। तो अगर जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्यूटी इंटरवल बढ़ता है, अगर क्यूटी इंटरवल बढ़ रहा है तो क्या होता है, तो हार्ट रेट जो है वो कम होने लगता है, और अगर क्यूटी इंटरवल जो है वो कम होता है तो हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। ये चीज़ हमें जानना चाहिए। इसके बाद